والآخرة للمتقين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आशिकान मुस्तफ़ा गुलामान मुज्तबा आशिकान हुज़ूर मुहम्मद सुभान आशिकान सकलैन आशिकान पीरान पीर आशिकान आशिकाने हुजूर कुतुब आलम जहांगीर सानी आशिकाने हुजूर सैयद शाह गफारी आशिकाने हुजूर फातिहे मतूबा आशिकाने हुजूर मसूद कामिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये मुबारक शब वाकई दिल झूम ये मंजिल तो ऐसी है जिसमें बैठने वाले से भी रब मोहब्बत जिसमें बैठने वाले से भी रब मोहब्बत हम तो गुलामान हैं सिर्फ और सिर्फ अपने इश्क को पेश कर रहे हैं किसकी बारगाह पीराने पीर की बारगाह गौसुल आलम की बारगाह और मज़ूबे कामिल की बारगाह गौसुल आज़म और गौसुल आलम और आजम तीनों आजम मिल गए और तीनों आजम फैजान इस महफिल में भी जारी है और मैदान महशर में भी जारी है। आजम ऐसा जो नमाज न पढ़ा जो जिंदगियां बांट दे बंदा उठकर बैठ जाए मुर्दा अल्लाह सोचिए रब अपने महबूब अपने महबूबी की जबान से कितना करी उनसे कितना करी कि जो कह दे जो कह रहे हो रब तो जबान होगी मौलाना ने फरमाया हदीस कुदसी मन हार ली बोली है फकाद संत होगी रब का जो महबूब है दुश्मनी की बात तो अलग है पहले मोहब्बत को तो देखिए पहले मोहब्बत को देखिए पहले करता है जिससे मैं मोहब्बत करता तो उसकी जबान बन जाता जिससे मोहब्बत करता हूँ तो उसका दाहिना बाजू बन जाता जिससे मोहब्बत करता हूँ तो उसके पांव बन जाता जब जबान रब बन गया दुश्मनी की बात तो छोड़ दे दुश्मनाने इस्लाम तो हर जमाने में और हर जमाने में रहेंगे लेकिन गौस की बारगाह में मत जाना गौस की बारगाह में मत जाना क्योंकि गौस की बारगाह में जाओगे तो ये निगाह आएगी कि मैं जहांगीर ही नहीं जाऊंगा।
मौत का मजा चखना है, मोमिन कैसे चखे और गैर मोमिन कैसे चखे, चखना सोची जिंदगी और मौत तो रब के हाथ, लेकिन कुर्बत का अंदाज तो देख, सिर्फ कुर्बत का अंदाज कह दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए और कह दे तो जिंदगी से मौत हासिल हो जाए। वो है मेरे गौसु सकलें, वो है मेरे महबूब सुबह, वो है मेरे महबूब अस्ता, अरे मेरे महबूब अस्ता, अरे मेरे पीरों के पीर दस्तगीरा बेकसा या गौसु आलम दस्तगीर, आपका कहलाओ बंदा और रुसवाई वाले, आपका होते हुए आपके सुभान अल्लाह होता है कि मेरे गौस का चाहने वाला परेशान हो जाए, मेरे गौस की निगाह से तो तकदीर बदल जाए। रब इशाम पर जब रब किसी से मोहब्बत का इरादा फरमाता तो जिब्रील अमीन को आवाज देता, अरे जिब्रील अमीन मैं फला बंदे से मोहब्बत करता, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मोहब्बत करता तो किसको बुलाता है, जिब्रील अमीन को, ए जिब्रील अमीन मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। अदा देखिए जिब्रील अमीन उससे मोहब्बत करने लगते, फिर जिब्रील अमीन आसमान वालों से मिला करते, हे आसमान वाले अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते, मोहब्बत का तकाजा तो, और जब आसमान वाले मोहब्बत करने लगते तो रोए जमीन मोहब्बत करने लगती, जब रोए जमीन मोहब्बत करने लगती है तो अल्लाह अपने महबूब बंदे की मकबूलियत को जमीन के साथ कर देता, रब ही अपने महबूब बंदों को मकबूल कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इज्जत वही देता मकबूल वही बनाता, लेकिन किसको, अपने महबूब को, जिसको महबूब बनाया उसे रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, जिसे महबूब बनाया उसे गौस ख्वाजा बना दिया, जिसे महबूब बनाया उसे आलम रब्बानी बना दिया, जिसे महबूब बनाया उसे महबूब सुभानी बनाया, जिसे महबूब बनाया उसे गौसुल आलम बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर जिंदाबाद, नारे गौसुल आजम जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले सरकार गौसु सकलैन की बारगाह में इस तगाफा पेश करता हूँ और ये कलाम हुजूर वालिद महमूद जिन्होंने इश्क में डूब कर सरकार की अपने लफ्जों में उन्होंने पिरोने की कोशिश की, उस कलाम को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बिगड़ी बिगड़ी मेरी बनाई है गौसुल वाला, बेशक बिगड़ी मेरी बनाई, बिगड़ी मेरी बनाई है गौसुल वरा है आप, दस्ते करम उठाइए गौसुल वरा है आप, बेशक तूफान जिंदगानी है नैया भवन है, पतवार हाथ में है नसाती नजर में, अब तो मदद को आइए गौसुल वारा है, आमीन अल्लाह आमीन, अब तो मदद को आइए गौसुल वारा है, बिगड़ी मेरी बनाइए गौसुल वारा है आप। बेशक आप सोचें जब इंसान अल्लाह के महबूबीन के इश्क में डूब जाता तो उसे कुर्बत नसीब हो जाती है,
इश्क में डूबोगी तो गुर्बत हासिल हो जाए। सच्चे कौन, आबिद कौन, परहेजगार कौन? आज हर इंसान दावा करता है कि मैं सच्चा, तो हर इंसान अपनी सदा बुलंद करता है कि मैं सच्चा। हम जाने कैसे कि सच्चा कौन? सही मानो रब इशहाद कौन आप सोचिए रब ने हमको कितनी नेमत अता बिन मांगे तो सब कुछ अता कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम दुनिया में तो इश्क करते हैं। हमारे दिल में तो इश्क कोट कोट कर भरा, हम तो मोहब्बत करने वाले, और किनसे मोहब्बत करने वाले? महबूबे सुभान, महबूबे अज़दा से, महबूबे कामिल से। हुजूर आजम बाबू कबला ने इरशाद फरमाया, मेरे हाथ से माइक लिया, फरमाते हैं कि मैं सबकी बख्शाइश करा। अगर अल्लाह का वली कह दे तो सिर्फ मैशर में नहीं दुनिया में भी, दुनिया की मुश्किलों से भी बख्शिश दिलाएगा, मुश्किलों से। अरे मेरे महबूब अज़दा, अरे मेरे पीरों के पीर दस्तगीरा बेकसा या गौसुल आलम दस्तगीर, बेशक सुभान अल्लाह। हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, लोगों के ख्यालात तब्दील हो रहे हैं, लोगों के मिजाज तब्दील हो रहे हैं, दुनिया में गहमागहमी का आलम जारी होता जा रहा है, हर इंसान परेशान होता जा रहा है, हर इंसान कह रहा है कि हज़रत दुआ कीजिए, कोई कह रहा है हज़रत हम परेशान हैं दुआ कीजिए, कोई कहता है हज़रत हम बहुत दुखियारे हैं हमारी मदद कीजिए, कोई कहता है कि हम आसेब मुब्तला हैं हमारी मदद कीजिए। मैं कहता हूँ अपनी परेशानियों को न देखो, अपने दिल में महमूद सुबहान की मोहब्बत को पैदा करो, सारी मुसीबतों से निजात मिल जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, तेरे दर से तो कोई खाली ही ना, वो दर तो महमूद सुबहान सबको नवाजने वाला, चोर को अवतार वाला। फरमाते चोर की जिंदगी, अब देखिए दो तीन डेफिनेशन दूंगा, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। गौसे आजम गौसुल आलम मखदूम पाक की बात है, चोर आए बैयत होने के, आपके साथ हजरत फरीद गंज शकर रजी अल्लाह अन्हु, आपने उनसे फरमाया कि आप इनको बैयत कर ले, हाजी गंज शकर फरमाते नहीं ये चोर है, मैं इनकी बैयत को नहीं करूंगा, इरादत से मखदूम तौबा है और ये तौबा नहीं करेगा। मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं कि मैं किसी साहिल को मायूसी नहीं करूंगा। जब गुलाम की आलम ये है तो मखदूम का आलम क्या होगा, जो सबका मखदूम, जिसका कदम हर दुनिया के तमाम औलिया-ए-कलाम की गर्दनों, उसका आलम क्या है जो सबका गौस, जो सबका महबूब, हमको गौसुल आलम की बात कहा। मैं इनको मायूस नहीं कर सकता। आपने चोरों को बुलाया, चोरों को बुलाने के बाद बैठाया,
कहा आओ मेरे करीब आओ बैठाला, कहा मेरे हाथ से अपना हाथ मस करो, हाथ मस किया, चोर लगजने लगे, चोर कांपने लगे, अस्तगफार पढ़ने लगे, ताईब हो गए। अब आप सोचिए कि वली के हाथ से सिर्फ हाथ मस होना था कि चोर लरजने लगे, तोबा इस्तगफार करने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम तो उनकी चौखट के भिखारी, ऐसे भिखारी कि मेरे मगजू में पागने विचार फरमा कि कयामत तक मेरे सिलसिले में दाखिल होने वाला हर शख्स मकबूरीन की फेरिस्त में जाएगा, दुनिया से जो भी जाएगा वो बख्शा बख्शाया जाएगा। डेफिनेशन सुनिए, दुनिया से जाएगा तो बख्शा बख्शाया जाएगा, पहला नुक्ता। दूसरा सुनिए, सायल को मायूस नहीं कर सकता। तीसरा सुनिए, मेरी कब्र जो भी आए वो मायूस होकर नहीं जाए, उसकी हर घड़ियों को। ये तीसरा, गौसे पाक की बारगाह में सिर्फ कुबा, कुबा ऐन नहीं गैर, ये लिबास ऐन नहीं गैर, मुझसे पहचान है, मैं आया मदरसा, इस लिबास से मेरी पहचान है, मुझसे पहचान। कुबा तो आए नहीं हो सकता, सिर्फ कुबा चुराने की नहीं। कहा फलम मोहल्ले में फला अब्दाल का इंतकाल हो गया, आप उसको मुकर्रर फरमा दे, फरमाते मैं कल मुकर्रर फरमा दूंगा। कहा अगर वो इलाका हिलाक हो गया तो क्या होगा सर, तो फरमाते हैं जाओ फला गोशे में। कहा फला गोशे में एक अब्दाल बैठा है, उसको लेके चलेगा। अब्दाल के बाद जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, हजरत कौन जाता है, हजरत अकील जाते हैं। फरमाते हैं तू चल, बोला कहाँ, कहाँ तू चल मेरे साथ, वो काबिल लगा लड़ने लगा कि मैं तो चोर, मैं तो डाकू। कहा तुम अब तक चोर थे, अब तक डाकू थे, लेकिन गौस की निगाह से, निगाह करम से तुमको अब्दाल बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूलल्लाह। कुबा चुरानी और सिर्फ निस्बत से फैजियाब होना होने से ये दौर अब्दाल का मुकाम कम नहीं होता, अल्लाह का वो भी महबूब होता है, लेकिन दुनिया बदलनी हो तो इस तरह से कि गुनाह से ना दिन करे। मैंने अब तक जितनी खिदमत की हो, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे पास आने वाला शख्स हिंदू है या मुस्लिम, मेरे मखदूम की बार चाहे हिंदू जाए, चाहे मुस्लिम जाए, चाहे सिख जाए, चाहे ईसाई जाए, चाहे नसरानी जाए, सब तो गुलाम की संविदा पे। आज अगर सियाराम चौधरी सिर्फ गुलाम बना तो बिलाल अहमद अशरफी हो गया। रब जिससे ना करवाना चाहे, जिससे हम दोस्त ना कराना चाहे, उसके लिए कोई काफी जो कलाम पढ़ दे दिल से ताई हो जाए वो उसके सब में दाखिल हो जाता है, इसका ऐसा हो कि दुनिया बदल जाए। हर दौर को देखिए, अगर नजरे सानी कीजिए हालात का, मिजाज बदलते, सारी चीजें बदलती चली जा रही है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं बदली तो वो है औलिया अल्लाह, जो अव्वल से आखिर तक हमारे साथ।
अब देखिए रब की मोहब्बत, रब कितनी मोहब्बत करता है, रब कितनी जानेसारी करता है। मोहब्बत की तो जबान बना, ऐसी जबान बना जो मेरा महबूब बंदा फरमा दे मैं उसको पूरा फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, ऐसी मोहब्बत हमने तो जो किताबों में पढ़ा हम तो वही जानते हैं, लेकिन डर आगे कर अल्लाह का महबूब बंदा अपने महबूबी से कितना करीब है इसको कोई नहीं जान सकता। महबूब बनाया तो अपने जलवा देने पेश किसको और किसी को नहीं, रहमत लिलालमीन को बख्शा भी तो नबी को नबी के सदके बख्शा दिया, बख्श दिया। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में फरमाते हैं, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, मुझे अपने महबूब बंदों से मिला दे, मुझे अपने महबूब वली की ज़ियारत करना, यानी वली की ज़ियारत करना हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की। हम तो ज़ियारत करने जाते, जब तक जिंदगी है तब तक जाते फैज लेते रहेंगे, क्योंकि तेरे मैकदे में कमी है क्या, जो कमी है सौदे तलब में है, वो पीने वाले तो आज भी है, वही वादा है वही जाम है, खुदा वाले जहां में जिंदगी का नूर बोते हैं वो खादिम बन के रहते हैं मगर मखदूम होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। आप सोचिए बारगाह से मोहब्बत, सिर्फ बारगाह से मोहब्बत, उस मोहब्बत में डूब सरकार गौसुल आलम की बारगाह में हाजिरी देने जाता है बंदा, और अपने साथ हजारों की भीड़ लेके जाते जो लोग कभी, जिन लोगों ने कभी मखदूम पाक का नाम नहीं सुना उनको बारगाहे मखदूम से जोड़ने वाले का नाम मुल्तान अहमद अशरफी और बाबा कौम मिल्लत मिलाया जोड़ा। कहा सरकार हमने तो सबको आपकी बारगाह में सौंप दिया, अब संभालने वाले भी आप, निगाहें करम करने वाले भी आप, फैज बांटने वाले भी आप, करम की निगाह डालने वाले आप, क्योंकि आप महबूब हैं। किसके? रब के महबूब हैं। फैज बढ़ता गया जहां पे, जिस जगह पर, ऐसे मुल्क में जहाँ पे लोग सिवाय राम नाम के अलावा कोई नाम नहीं जानते, उस जगह पे लोगों के बीच मखदूम पाक का परचम लहराने के लिए कोई आया तो वो मुल्तान अहमद अशरफी के द्वारा, इल्म देने के लिए कोई आया तो हजरत अल्लामा मौलाना फैजुल्लाह की सूरत में आया, इल्म की दौलत से नवाजने आया तो मखदूम पाक ने अपने गुलाम को बैरवा की सरजमीन पे भेजा, जाओ मेरे महबूब बंदे जाओ कौम की खिदमत करो, लोगों को इल्म से बांटो, क्योंकि रब के महबूब का इशारा। इल्म बांटना भेज दिया, राहे शरीयत से जोड़ना हुआ तो और रूहानी फैज से जोड़ना हुआ तो मुल्तान अहमद अशरफी को भेज दिया। एक तरफ इल्म और एक तरफ सिर्फ रूहानी, ये तो मेरे महबूब का करम है, इल्म वाले से भी और फैज लेने वाले से भी, जिससे चाहे जो काम ले ले, जिससे चाहे, क्योंकि सब तो गुलाम है, सब तो फैज की निगाह में बढ़ने वाले हैं, फैज बांटने वाले हैं। मेरे महबूब ऐसा महबूब जिसकी निगाह करम से जिंदगियां बदल जाए करती हैं। आज मुझे 5 साल नेपाल आते हो गया, लेकिन इन 5 सालों में मेरी जो दिली बात मैंने आज तक इन दोनों लोगों में किसी के अंदर कोई कमी नहीं पाई,
ये रब का शुक्र है, ये रब ने इन्हें यहाँ भेजा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वाब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदु फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। वसीला सिर्फ नमाज नहीं, सिर्फ नमाज नहीं, सिर्फ रोजा नहीं, सिर्फ ज़कात, रब से रब पैदा कर, रब से रब, रब से जोड़ दे, ये वसीला, ये वसीला है। किसकी तरफ ले? उलमा की संगत को मसला पूछना हो तो उलमा से, आलिम की जरूरत में बैठ दिया, आलिम की सूरत में भेज दिया, रूहानी फैज से जोड़ना हुआ तो मुल्तान अहमद अशरफी को भेज दिया, और जब शहनशाह खिताबत को भेजना हुआ तो मौलाना शहनशाह को भेज दिया, और जब मेरे जैसे हकीर बंदे को भेजना हुआ तो अहमद अशरफ बना हुआ। सब इसमें तफसीर अहमद, मैं तो भाई तारीफ करने आया ही हूं, मेरा काम है तारीफ करना। किसकी? जिसकी तारीफ हो चुकी, जिसकी तारीफ रब ने कर दी। मोहम्मद तारीफ किया हुआ, अहमद तारीफ करने वाला, मैं तो महबूब की भी तारीफ करने आ रहा हूँ, महबूबीन की तारीफ भी करने आया हूँ, सालहीन की भी तारीफ करने आया हूँ, सुलह की भी तारीफ करने आया हूँ, हम तो रब पैदा कराने आए। इब्लीस माथा काला हो गया, रगड़ते रगड़ते स्याह हो गया, मिला क्या? जो शख्स फरिश्तों को अल्लाह से देता है, लेकिन घमंड और तकब्बुर और रब की नाफरमान और यह अल्लाह फरमा बरदार, और वो फरमा बरदारी नहीं कर सका। अगर फरमा बरदार होता तो हुक्म को मान, तुम हुक्म को मानो उलमा, तुम हुक्म को मानो सुलहा, सही मानो तुमको दुनिया भी मिल जाएगी वाकई, हुक्म के साथ आपके नक्शे कदम। आप सोचिए खानकाह अशरफिया जहांगीरिया में मैंने सिर्फ मखदूमे पाक के चिराग को रोशन नस्बत, सिर्फ निजबत का फैज। आप सोचिए कोई भी साहिल गया इसी भलवारी की जमीन पर, कोई भी साहिल गया कितना ही मुसीबत में गया, सिर्फ देख के दुआ मांग, या गौर अल मदद, या गौर सगलेन अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीद, महज इतना कह दो तो परेशानियां दूर हो जाती है। चाहे इंडिया में बैठो, चाहे नेपाल में बैठो, चाहे अमेरिका में बैठो, चाहे लंदन में बैठो, दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठो, कह दो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह, या मखदूम अशरफ अल मदद, या मखदूम अशरफ अल मदद, या मखदूम अशरफ अल मदद, या गौसे ख्वाजा अल मदद, या हुजूर कुतुब आलम जहांगीर सानी अल मदद, या हुजूर आजम बाबू कुबला अल मदद, महज नाम लो जिस सिम से नाम लो, मेरे मखदूम पाक का इरशाद है, मशरिक हो मगरिब हो शुमाल हो कोई भी सिम हो, हर जगह अशरफ की मुरीद है। मैंने रब की बारगाह में ये दुआ की थी, ए परवरदिगार हर जगह मेरा मुरीद हो, मगरिब में हो मशरिक में हो शुमाल में हो हर जगह हो, सिवाय एक जगह के दोजख में, दोजख में मेरा कोई मुरीद ना होगा, दोजख में मेरा कोई, और रब ने मेरी ये दुआ कबूल, बेशक सुभान अल्लाह, रब ने मेरी ये दुआ कबूल कर दी, तो हम तो ऐसों के चाहे इम्तिहान मत लेना,
इम्तिहान लेना होगा आना वासुल आजम के बारे में जितने लगा है इम्तिहान ले सब इस दारे फानी से कूच कर जो मोहब्बत से डूब के आया उससे दुनिया भी मिल गई है आखिरत भी। चाहने वाला हदीसे पाक जिससे मोहब्बत उसे मुबतलाए मसाइब है। दूसरा कौन सा रब जिसके हक में बेहतरी का इरादा फरमाता है उसे मुबतलाए मसाइब है। आज हम सुन्नी सही लोकीदा परेशान है हर तरह की दुनियावी जिस्मानी रूहानी परेशानी से होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि रब ने हमारे हक में बेहतरी बेशक हमारे हक में बेहतरी अगर बेहतरी ना करता तो हम भी 72 में शामिल होते, हम भी 72 में शामिल होते, 72 तो छड़ गए। हमारी तादाद चाहे 10 की हो, हमारी तादाद चाहे 20 की हो, हमारी तादाद चाहे 30 की हो, हमारी तादाद चाहे 50 की हो, हमारी तादाद चाहे 100 की हो, हमारी तादाद चाहे 1 लाख की हो, हमारी तादाद चाहे 1 करोड़ की हो, लेकिन हम सब तो जन्नती हैं क्योंकि हमारा हाथ गौसुल सकलेन की बारगाह से जुड़ा हुआ है, हमारा हाथ हुजूर गौसुल आलम की बारगाह से जुड़ा हुआ है, उनके गुलामों की सभा में हम दाखिल हैं। हमारी दुनिया भी अच्छी है आखिरत भी अच्छी। आमीन बेशक लारे तो परेशान हो तो मायूस मत हो, ये मायूस जब सायल को मायूस मखदूम पाक नहीं कर सही है वाह वाह जब सायल को मायूस मखदूम पाक नहीं कर सकते तो रब कैसे मायूस करे। मैदान में सर औलिया अल्लाह अपने साथ 70 नहीं 70 लाख की तादाद में अपने साथ लेकर जन्नत में जाएंगे। रब फरमाएगा जंजीरों को थाम हम गुलाम हैं हम थाम लें, कतारे बन जाएंगे कतारे हैं ऐसे कतारे बन जाए, हर इंसान जंजीरों को थाम लेगा आगे कामिल हो रही आगे कामिल हो रही आगे कौन हो तुम महबूब सुभान आलम रब हुजूर गौसुल सकलैन हुजूर गौसुल आलम। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है, ये कितना बड़ा फैजान है, कितना बड़ा करम है। वो कहेंगे थाम लो जंजीरें थाम लो और वो वली अल्लाह तब तक जन्नत में न जाए जब तक कि उनके आखिरी सब में खड़ा होने वाला शख्स जन्नत में सुभान अल्लाह हक है थाम लो यही औलिया अल्लाह। एक तरफ कहेंगे जंजीरें पकड़ लो ताकि आ जाओ, अभी कहा जाए थाम लो सब थाम लो। महशर का दिन याद करो जब तुम नफ्सा नफ्से के आलम में हो, जब तुम परेशान हाल हो गए तो यही औलिया अल्लाह आएंगे कहेंगे लो मेरा हाथ थाम लो मेरा हाथ थाम लो। कोई कहेगा मेरा हाथ वली अल्लाह बसवाई कराने के लिए झगड़ा कर। हम तो ऐसे होंगे कि जिसके लिए औलिया झगड़ा कर जिसके लिए औलिया झगड़ा कर हक है सुभान अल्लाह। जिसको देखकर अंबिया शहदा रसल बाबा ने पूछा कौन अल्लाह के महबूब जरा बताएं। सरकार इशारा फरमाए जिनको देखने रब याद आता
वो महबूबाने खुदा, औलिया के बारगाह में जाइए तो खुदा याद आ ही जाता। औलिया के बारगाह में जाते हैं तो नमाजी लोग हो ही जाते हैं, टोपी लगा के जाते हैं, कपड़े पहन के जाते हैं, इस्तिंजा पाक होकर जाते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं रब के महबूब की बारगाह में जा रहा हूँ, तो उस तरह से जाओ, क्योंकि हम तो ईमान वाले हैं, जब उनकी बारगाह से जुड़े हैं तो रब की बारगाह से जुड़े हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। रब ने जो कड़ी जोड़ी उसकी कड़ी वो है, थामा हमने है, इसका दामन हमारे हाथों में है। ऐसा महबूब जो कह दे तो जबान रब बन जाए, अल्लाह थाम ले तो हाथ बन जाए, चले तो कदम हो जाए। आज भी औलिया अल्लाह से दुनिया खाली नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी औलिया अल्लाह हैं जो जिनके चेहरे ऐसे हैं, जिनके कपड़े ऐसे हैं, जिनके फटे पुराने कपड़े को देख कर तुम अपने करीब ना आने दो, लेकिन खुदा की कसम वो जो कह दे वो सुभान अल्लाह सुभान। ये हमारी ताकत नहीं कि हम रब के महबूब को पहचान ले या रब के महबूबी को पहचान ले, हमारा इश्क ही हमको पहचानता है। हम अपनी जीती जागती आंखों से पहचान नहीं सकते कि रब का महबूब कौन है। अगर हम सही मानों में आज के रसूल हैं तो हमारा इश्क पहचानवा देगा कि यही महबूबान खुदा है। ये इश्क नहीं आता, एक बात ज्यादा वक्त तो नहीं हो रहा है, बस 5 मिनट दूर से पाक पढ़े अल्लाह मुसल्ली व सल्लम बारिक वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद तिब القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور إلى الأبصار وضيائها والهدى وصاحب الأبدان। मौलाना ने सरकार आजम हुजूर आजम बाबूकुल्ला की बारगाह में अपनी अकीदत और मोहब्बत को पेश किया। ऐसा आजम अल्लाह अल्लाह, आप सोचिए मैं खुद गवाह, जब आपका किसान हुआ, जब आपका पर्दा हुआ तो मैं टूट चुका था, मेरी हालत क्या थी ये तो मैं अपने लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। सही बेशक अपने लफ्जों में नहीं बयान कर सकता, क्योंकि मैंने उनको कभी अपना भाई नहीं समझा। लुकता देखिए, मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि ये अल्लाह के महबूब है, मैं तो हकीर बंदा, मैं भाई तो अपनी जगह, ये तो फैज, भाई होना ये औलिया का औलिया की तरफ से फैज है होना, कि मैं वली का बोला, मैं वली की औलाद, वली हमारा दोस्त, अल्लाह का जो दोस्त हो वली, मैं तो वली की वली का बोला, वली का बेटा, वली का भाई, लेकिन मैं तो गुनहगार हूँ, ये तो करम की बात है कि जोड़ दिया दादा से, जोड़ दिया वालिद से, जोड़ दिया भाई से, लेकिन ये फैज की चादर, हम एक वली का मुकाबला नहीं करते, हम तो कि कोई कितनी भिखारी, लेकिन मैं तो समझता हूं कि अल्लाह ने मुझे इल्म अता फरमाया, जिसकी आजमत को सरकार ने बयान किया, मैं उसके काय मुकाम पर नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ ये जानता कि मैं तो हकीर बन रहा, दिल की दुनिया बदल चुकी थी, हालात इस कदर थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। आपका शफकत से मिलना, शफकत से गले लगाना, शफकत से मेरे पेशानी को चूमना, शफकत से मुझे अपने गले लगाना, मैं जब भी मिलता था तो सबसे पहले कदम बोसी किया करता था, जैसे मिलता था वैसे ही उनके कदमों को थाम लिया करता था, और मुझे अपने सीने से लगा लिया करते थे, मेरी पेशानी पे दम किया करते थे। मैं सोचा अल्लाह अल्लाह, अब मैं किसके कदमों को चूमूंगा, मैं किसको किससे अपनी बात कहूंगा, मेरे दिल की हालत बदल चुकी थी। मैं हाजिर हुआ बारगाह में,
मैंने कहा सरकार अब मैं किसके पास, आप सब कुछ दे मेरे लिए, अब मैं किससे अपनी दिल की बात, बाप और बेटे में जो रिश्ता हो वो आदब का होगा, मैं कैसे कहता अपने वाले खुला किससे दिल था अल्लाह की ओली से। मैंने कहा सरकार मैं कहां जाऊं, जो कुछ कहना होता था बचपन से आप ही से कहता आता था, बचपन से आप ही से फरियाद करता आता था, सरकार आप ही मुझे नवाजते थे, आप ही मुझे फैज बांटते थे, आप ही मुझ पर निगाहें गर्म करते थे, मैं कहां हूं, किस जगह हूं, हर जगह आपके फैज की निगाह मेरे ऊपर होती थी। सरकार अब मैं कहां जाऊं, आप मुझे एहसास करवाइए कि आप मेरे साथ, आप मेरे साथ मुझे आप अपनी मौजूदगी एहसास करवाइए कि आप मेरे साथ दुनिया में जैसे थे वैसे अब भी। मैंने सरकार की बारगाह में एक इत्र पेश किया और वो इत्र बहुत खास हुआ जिसको मैं बहुत पसंद करता। मैंने सरकार की बारगाह में इत्र पेश किया, अपने दिल की बात कही, बारगाह से आया घर आया गया रात के ठीक मेरा पूरा कमरा, जबकि दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, पर्दे लगे हुए, सब कुछ बंद, वो खुशबू मेरे कमरे में है कई बार आधी घंटा, वो खुशबू मेरे कमरे में घूमती रही है, ऐसा लग रहा था बड़े भाई मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अपने आगे बढ़ की रब का शुक्र अदा किया, ए अल्लाह आज मेरा भाई मेरे साथ है, जो दुनिया में भी हमारे साथ है और मैसर में भी हमारे साथ है, क्योंकि दुनिया से जाने से कब करके गए हैं, मैं सबकी बख्शाइश कराऊंगा, अल्लाह का वली कभी मरता नहीं, खुदा वाले जहाँ में जिंदगी का नूर होते हैं वो खादिम बन के रहते हैं मगर मखदूम होते हैं, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। रब की बारगाह में ये दुआ है कि मौलाए करीम हम सब के दिलों में औलियाए कामरीन की, हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और उनके सदके हमारी सारी परेशानियों को दूर फरमाए। मौलाए करीम तू रहमान रहीम करीम है, मौला आज उसी महबूब के सदके में इस मजलिस में बैठने वालों पर करम ऐसा फरमा दे कि कोई खाली हाथ जाने पाए, हर शख्स फैजियाब होके जाए। वाखर दुआना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Ya Rasul Salam Alayka, 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 Ya
خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے آنچوں کا تصادق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد تلك القلوب دوائها وراتب اللدان وشفائها وغلول الاشعار وغيائها اغانيه واصابه دائما ابدا صلوا عليه فرد صلوا عليه فرد صلوا عليه فرد يا الله يا رحمن يا رحيم جل من مهارات المستقبل كلنا كاسا دستبيرا في قطعان مولا اے زمین میں تیرے تیرے محبوب تیرے محبوبی تیرے صالحی مولا ہم نے جو بھی کچھ خرابی عقیدت اپنی پوری پوری زبان میں جو کچھ بھی پیش کی مولا اسے قبول فرما آمین مولا ہماری زبان اس لائق رہے شان کو بیان کر آمین تیرے امتی مولا اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما آمین مولا اپنے محبوبین کا صدقہ عطا فرما آمین مولا صالحین کا صدقہ عطا فرما آمین مولا اولیاء کاملین کا صدقہ عطا فرما آمین مولا محبوب سبحانی کا صدقہ عطا فرما آمین مولا محبوب یزدانی کا صدقہ عطا فرما دے آمین مولا غوث العظم کا صدقہ عطا فرما دے آمین مولا غوث العالم کا صدقہ عطا فرما دے آمین مولا حضور غریب نواز کا صدقہ عطا فرما دے آمین مولا حضرت نظام الدین اولیاء کا صدقہ عطا فرما دے آمین مولا حضور قلب عالم حجیب ثانی کا صدقہ عطا فرما دے آمین مولا حضور سید سعد بخاری کا صدقہ عطا فرما دے آمین مولا حضور غازی اسلام فاتح احمد و بہادر سید محمد اکمل حسین اصفی جیلانی مولا ہم سب کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے مولا تیرے محبوبین کے چاہنے والے ہیں مولا ہماری چاہت کا طرف رکھنے مولا تیرے محبوب کے نام پہ سر کا ڈالنے والے ہیں مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے مولا آج اس بارگاہ سے اس مقدس بارگاہ سے جس میں بیٹھنے والے سے جو تو محبت کرتا ہے مولا آج انہیں کے صدقے توسل ہم سب کی مغفرت فرما دے مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے مولا ایسا کرم فرما دے کہ تیرے محبوب تیری کلام سے محبت ہو جائے تیری کلام سے محبت ہو جائے آمین سب کی اولاد صالح ہو جائے آمین نیک ہو جائے اسلام پر چلنے والی ہو جائے وہ ہر گناہ کبیرہ و صغیرہ سے دور ہو جائے اسلام کی فطرت شامل ہو جائے اسلام پر چلنے والے ہو جائے کی سنت پر چلنے والے ہو جائے آمین اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائے اس در کے کتے بن جائیں اس در کے گدھا بن جائیں اس در کی بھکاری بن جائیں ایسے فیض عطا فرما دے کہ جب تک یہ سانس قائم ہو زندگی کے آخری لمحے تک ان کی محبت اس دل میں سمائی ہو جائیں تو ان کی محبت کے ساتھ جائیں ایمان میں کوئی خندرہ نہ پیدا ایسا کرم فرما دے گی جب بھی جائیں تو تیرے محبوب اور تیرے محبوبین کی محبت میں ڈوب کر جائیں مولا حاضرین مجلس میں سب کے اوپر نگاہیں کرم فرما دے جو روزی روزگار سے پریشان ہے مولا سب کی روزی روزگار میں بے پناہ برکت عطا فرما دے بے پناہ وسعت عطا فرما دے کہ وہ ہر آفات بلایات مشکلات تمام بری چیزوں سے محفوظ و معمور فرما دے جسمانی صحت عطا فرما دے شفائے کلی عطا فرما دے جو مریض ہیں
जो बेचारे परेशान हाल हैं मौला, अपने महबूब, अपने महबूबीन, अपने सालहीन, अपने मजबूबीन के सबसे सब कुछ काबिल इन सब के घरों में जो भी परेशानियाँ दूर फरमा दे मौला, इन सब को नमाज से मोहब्बत अदा फरमा दे, पूरी तरह से दीन की मोहब्बत अदा फरमा दे, पूरी तरह से इनके दिल में उनके कल्ब में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा फरमा दे मौला। हाजिर ने मजलिस जितने भी जिन लोगों के दिलों में जो भी जायज तमन्नाएं आज जो ख्वाहिश है मौला उन सबको पूरा फरमा दे। आज तेरे महबूब की महफिल महफिल से कोई खाली हाथ न जाने पाए, चाहे कोई कहीं पर बैठा हो, किसी भी जना उसका हाथ फैला हो, अपने महबूब हुजूर गौसुल वरा का सदका अता फरमा दे, उन्हें भी गला फरमा दो मौला। आज सबको नवाज दो ए गौसुल वरा, ए महबूब, ए अल्लाह के महबूब के सदका अता फरमा दो। ए अल्लाह तू रहमान और रहीम, रऊफ और रहीम, करम फरमाने वाला है, तू तो अपने बंदों के रद से भी ज्यादा करीब है। ए अल्लाह अपने महबूब का सदका अता फरमा दो, आज ऐसा नवाज के भेजो इस सबको दीन की नेमतें हासिल हो जाएं, हर तरह से सुरफरू हो जाएं, कामयाब कामयाब कामरान हो जाएं, हर आफत रूहानी बलाया से महफूज मामूर हो जाएं, सबकी ज़िंदगी खुशहाल होकर जाए, हर तरह से खुशियां अता फरमा दे। ए अल्लाह तो हम सब मोमिन बंदों पर बेपनाह करम फरमा दे, रहम फरमा दो। अन नज़्र वल फातिहा। हाजरे ने महफिल में शब बेदारियाँ की और उन्होंने अपनी तीन नजरे को उतारी, रबी करीम इसे हमारी पढ़ने और हमारी कोशिशों के मुताबिक नहीं, इसका नजर जो कुछ तो निशान के मुताबिक हम जुमला हाजरीन और सामईन को अता फरमा, हम सब की तरफ से हमारे आका मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना बना है बेकसर चारा सा सदर बंदा है मदीना मुस्तफा सैयदना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है इस लोग में नजर है मौला कबूल फरमा, और मेरे आका के वसीले से हज़रत आदम अलैहि सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहि सलाम तक दुनिया में यह कराम पैगंबरान इस्लाम और रसूलान इस्लाम के अरवाह तुहूर को पहुँचते हुए खुसूसियत के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर सैयदना फारूक आज़म सैयदना उस्मान गनी सैयदना फातह ग़ज़वता माते पैगंबर शेर हैदर अली रसूल ज़ौजे बतूल शाहिद अशरफ मौला मुश्किल कुश अली शरीफ खुदा हाजी रवा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम की बारगाह अज़मत में नज़र मौला कबूल फरमा, और आपके सदक़े में सैयदतुल निसा आमीन बिनते रसूल सैयदना फातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अलैहा की बारगाह नूर में नज़र मौला कबूल फरमा, आपके वसीले से जन्नत मदीने पाक की कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में तमाम अरवाह मुक़द्दसा के अरवाह तैयबा को नज़र मौला कबूल फरमा, आपके तमाम बाबा मुल्तान साहब आपकी नजरें गुजारी हैं मेरे सरकार, आप प्यारा वाले पीर हैं हुजूर, ये तारीख है आपकी अता की है, आपकी सखा की है, आपके आया दादा आप सारी खल्कुल्लाह को मिस कर गाई के देखते हैं, मेरे दादा मेरे माँ बाप मेरे बच्चा ये आपके गुलाम कैसे उम्मीदों के साथ आपकी बारगाह में अपने हाथों को उठे दराज किए हैं सरकार, इनकी हाजत रवाई फरमाए, अल्लाह तबारक तआला ने खुसूसियत के साथ आपको इसीलिए भेजा है सरकार, बस निगाह महबूबियत का सदका
आपके पीर व मुर्शिद का सदका, आपके दादा व नाना का वास्ता, हम गुलाम अल गुलाम पे नजर करम फरमा दे। कपा का रब का कमी पी कवा के मदद की का बात है, बिन का नाम दल दे कर रो कर कर रो कर रे ठीक कर दी ताकि मुशक शक्तन कर लो दिन करी का कपा मामी कपा कर कपा कर बताओ या को कबर का नाम जाती को कबर फलक इलाही बे हुरमत ना दे दीपा को चैन का शरीफ सिपाही ना वत को हवस जमीन में कुल बलियात ने आफा तो आप राजी वो शर्म जिन ने बलिन से वल खमस वल खबाइस वल सारे वल नहुसात कुल नफ्स नमान इन फिर से कुल मिन अल जिस्म कुल मिन अल बैत कुल मिन अल कारोबार व कुल मिन अल शहर بجائے حبیب کا سیدنا محمد الطاہر و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ طیبین الطاہرین المطہرین اجمعین یا قادر مطلق استغیثو استغیثو استغیث یا محمد یا محمد یا صلى الله تعالى على رسول الله صلى الله تعالى على رسول الله خير خلقه مثل لطفه اهل بيته شهداء محبته اولياء امته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين من سمعنا بحق لا اله الا الله محمد رسول الله پورا مرتبہ پانچ بار کلمہ طیبہ پڑھے لا اله الا الله محمد رسول الله جس کے ساتھ کے ساتھ لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم السلام علیکم وعلیکم السلام دل گہرائی محبت میں روح کو کہتے ہیں سرکار یہ وہ سجدائیں کی بارگاہ میں یا شیخ عبدل قادر جیلانی حسین دھوم کے کہیں باواز بلند تاکہ ان کی بارگاہ میں اپنی فریاد پہنچ جائے یا شیخ عبدل قادر جیلانی جان اللہ دھوم کے کہو بھائی یا شیخ یا شیخ عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی جان اللہ یا شیخ یا شیخ عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی جان اللہ یا شیخ یا شیخ عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی جان اللہ جان اللہ المدد 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 یا حضور مخدوم اشرف جاگیر سمنانی المدد یا حضور سید شاہ عبدالرزاق نور العین المدد یا حضور قطب عالم جہانگیر ثانی المدد یا شیخ سید شاہ بخاری المدد یا حضور غازی اسلام فاتح احمد ڈوبھا المدد یا حضور مذہب کامل المدد مدد مدد کو آئیے غوث البرا ہے آپ مدد کو آئیے غوث البرا ہے آپ مدد کو آئیے غوث البرا ہے آپ یا شیخ عبدالقادر جیلانی المدد 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 یا شیخ عبدالقادر جیلانی المدد سرکار آج ہم سب کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اسی غوث الثقلین کا صدقہ عطا فرما دے گنہگار بھی بدکار بھی سیاکار بھی مولا ہم سب کے گناہوں کو دیکھ مولا اسی محبوب کا صدقہ عطا فرما دے اسی رحمت للعالمین کا صدقہ عطا فرما فیض بانٹ دو کرم بانٹ دو نوازش بانٹ دو عنایت بانٹ دو فیض کرم جاری ساری فرما دو تیرے محبوب کا جتنے لوگوں نے نام پکارا مولا سب کی فریادوں کو پورا فرما دو
मदद जिनकी महफिल है उनका फैज जारी है। मौला अपने महबूब का फैज इस कदर जारी सारी फरमा दो कि हम सब उनके दम कदम में सिमट जाए। मौला आवाज उनकी महफिल है, मौला रसूल आलम की महफिल है, मौला वजूद काबिल की महफिल है, उनका कर्म हम सब के ऊपर दुनिया के आखिरी लम्हा तक जब तक दुनिया में रहे तब तक उनकी मोहब्बत के